हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव साई इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है तो सीलिंग फ़ैन, आज हमारे पास ये सीलिंग फ़ैन आया है रिपेयर होने के लिए। कस्टमर ने पहले से ही इसके कनेक्शन खोले हुए हैं, तो देखिए चेक करते हैं। ये हमारे पास एक सीरीज टेस्टर है और ये जो पंखे की तीन अंदर से जो वायर आई हुई हैं, लाल, पीली और काली, तो ये हम अभी इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, ये हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, हर वायर पे लगा के चेक कर रहे हैं, कोई भी कंटिन्यूटी इसमें शो नहीं कर रही है कंटिन्यूटी। तो देखिए दोस्तों, अर्थिंग भी कोई शो नहीं कर रहा है और ना ही कोई कंटिन्यूटी शो कर रही है। तो चलिए खोल लेते हैं इसको और चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये जो स्क्रू हैं ये हमने खोल लिए हैं और अब ये कैपेसिटर का जो क्लैंप है ये भी हम खोल लेते हैं। ये कैपेसिटर क्लैंप भी हमने खोल लिया है। तो दोस्तों ये देखिए, अब इसको खोलने के लिए हमें थोड़ा सा ये दो पेचकस की मदद से थोड़ी सी जगह बनाते हुए और आमने सामने हम पेचकस लगाएंगे और इसको धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो जैसे ही हम इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते रहेंगे ये धीरे धीरे खुलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये खुल गया है। तो अब देखिए इसके अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो देखिए, वाइंडिंग तो एकदम से बिल्कुल साफ नज़र आ रही है और कहीं से जली हुई भी नहीं है। तो अभी हमने ये नीचे का कवर ही निकला है और अब ये हम ऊपर का भी ये कवर निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा, ताकि जो इसके अंदर की जो डस्ट वगैरह है वो थोड़ी सी वो नरम पड़ जाए और हमारा ये कवर आसानी से निकल सके। तो देखो दोस्तों, हम पुलर की मदद से इसको निकाल रहे हैं और पुलर जैसे ही धीरे धीरे टाइट करेंगे तो कवर ऊपर की तरफ आता रहेगा। तो अब ये जो वायर हैं, हम ये शाफ्ट के जो कट बना हुआ है इसमें से सीधी कर लेंगे, इसके अंदर डाल के तो ऊपर की तरफ और कवर को निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा सीलिंग फैन का स्टेटर बिल्कुल सेपरेट हो गया है और ये देखिए यहाँ से ये स्पार्क हुआ है दोस्तों, और ये जो लीड हैं ये सब जल गई हैं। तो इसके अंदर यही प्रॉब्लम है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादातर ये जो एल्युमिनियम की जो वाइंडिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है कि कहीं लीड जल जाती है या फिर लीड के अंदर कुछ खारेपन टाइप का, एक नमक टाइप का सा बन जाता है जो वायर को जल्दी गला देता है। जब तक हमारा पंखा चलता रहता है तब तक तो ठीक रहता है, उसमें गर्मी बनी रहती है, और बाकी सर्दियों के टाइम में हम रख देते हैं बंद करके तो इसमें वही ऐसे ही गल जाती हैं तारे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान आराम से हमने इनको निकालना है। ये जो स्लीव है ऊपर वाइट वाइट जो आप देख रहे हैं, तो इनको बहुत ही सावधानी से निकालना है क्योंकि तारें बहुत नाजुक होती हैं दोस्तों इसकी। तो ये देखिए, ये जो वायर है ये देखिए वाइट वाइट आपने वायर दिखाई दे रखी है, ऊपर जो गोल्डन कलर की जो ये है ये वार्निश होती है दोस्तों। तब इसको स्क्रैच करके ही पता चलता है कि ये एल्युमिनियम की वायर है या कॉपर की वायर है। तो अब हम इनको, इन वायरों की स्लिप तो हम निकाल लेते हैं और ये जो वायर हैं वाइंडिंग की जो वायर हैं ये, इनको हम अच्छे से थोड़ा सा साफ कर लेंगे और बहुत ही आराम से निकालना है दोस्तों, ताकि टूट ना जाए, क्योंकि ये पुरानी जब वाइंडिंग हो जाती है, एक बारी पंखा के अंदर वाइंड होके और पंखा वर्किंग कंडीशन के बाद में ये वायर जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। नई वायर तो आपको दोस्तों बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी, लेकिन ये जो यूज़ हुई वायर हैं वो बहुत हार्ड हो जाती हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत प्यार से इसका काम करना पड़ता है। तो देखिए, ये वाइट वाइट जो आप देख रहे हैं ये नमक टाइप का ऐसा बन जाता है, तो ये वायर को गला देता है।
तो अब हम इसको धीरे धीरे करके इसकी ये जो स्लीव है ये निकाल लेते हैं और सारे जॉइंट वगैरह हटा देते हैं, ये जो पुराने हैं जो इस पे लिपटे हुए हैं। ये बहुत ही आराम से काम करना है आपने, बहुत ही धैर्य रखकर पेशेंट से ये काम करना है। ये जल्दबाजी का काम बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बड़े प्यार से इसकी वायर को ये क्लियर करना है आपने। तभी आप इसकी लीड लगा सकेंगे। हम देखिए कितनी आराम से बहुत ही तसल्ली से इसको खोल रहे हैं। दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी ऐसी जानकारी आपको देता रहूँगा जो कि आप घर में ही बैठे आप अपना काम कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अब ये हमने क्लियर कर लिया, अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। दोस्तों देखिए अब इसके अंदर कंटिन्यूटी शो हो रही है। देखिए दोस्तों ये वाइंडिंग की जो वायर हैं ये देखिए ये कंटिन्यूटी यहाँ पर अब शो हो रही है और हमारा अर्थ भी नहीं है, बॉडी शॉर्ट भी नहीं है। तो वो जो हमारी लीड थी वो वहाँ से थोड़ी जली हुई थी तो इस कारण हमारी ऊपर में जो कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही थी। तो दोस्तों अब हम इसकी लीड नई लीड बनाएंगे और इसके अंदर लगाएंगे। तो इसके स्टेटर का जो ऊपर शाफ्ट है इसके अंदर से हम तीन वायर हम निकाल लेते हैं और तीनों अलग अलग कलर की हैं दोस्तों। तो ये हमने वायर निकाल ली है और ये जो स्लीव हैं हम दोबारा से जो वायर हैं स्टेटर की इन पे लगा देते हैं और आप बड़े आराम से इनको बड़े प्यार के साथ इनको ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए ये हमने ज्वाइंट कर दी है एक वायर और ये बड़े आराम से ऊपर की तरफ खींच ली है, सेट कर दी है और ये अब ये रेड वायर हम ये लगाएंगे और ये वाइट वायर है ये पहले से ही सेट कर लेते हैं और पहले इस पे स्लीव लगा देते हैं। स्लीव लगाने के बाद इसको जॉइंट करेंगे वाइंडिंग की वायर में, जो हमारी कॉइल की जो वायर है उस पे जॉइंट कर देंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से। बहुत ही बारीक तार होते हैं दोस्तों ये, और एल्युमिनियम की वायर तो वैसे भी एल्युमिनियम तो वैसे ही बहुत ही नाजुक होता है। इतने पतला जो अगर एल्युमिनियम है की वायर है तो ये तो बहुत ही नाजुक होते हैं दोस्तों। तो इसको बड़े प्यार से अब ये भी हमने जॉइंट कर लिया है और स्लीव उस जॉइंट के थोड़ा ऊपर की तरफ कर देंगे ताकि बाहर नंगी वायर ना रहे। तो अब ये रेड वाली वायर बची है इसको भी हम जॉइंट कर लेते हैं। वही अपना स्लीव पहले डाल लेते हैं और जॉइंट कर देते हैं। तो ये भी हमारी रेड वाली वायर भी जॉइंट हो चुकी है और स्लीव को हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए और अब ये शाफ्ट के अंदर से एक एक तार धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच लेंगे ताकि ये सेट हो जाए स्टेटर के साथ, बिल्कुल चिपक जाए। ऊपर बिल्कुल भी नहीं उठी होनी चाहिए दोस्तों ये वायर, क्योंकि हमारा बैरिंग भी आएगा इसके ऊपर में। अगर ये कवर के साथ टच होगी तो सारी हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी जब हम
फैन फिटिंग करेंगे। ये हमारे पास एक टाई है, टाई बेल्ट जो बोलते हैं, इससे हम लीड को ये जो स्टेटर के अंदर छेद हैं इसमें से निकाल के टाइट कर देंगे ताकि हमारी वायर यहाँ से हिले नहीं, जो हमारे जॉइंट हैं वो टूटे नहीं। तो ये हमने टाई लगा दी है इसमें। और जो बाकी बचा हिस्सा है वो कैंची से काट देंगे। अब दोस्तों अब हम इसकी कंटिन्यूटी फिर से चेक करते हैं फिट करने से पहले। तो देखिए कंटिन्यूटी आ रही है और स्टेटर हमारा अब रेडी हो चुका है। तो बैरिंग में हम ग्रीसिंग कर लेते हैं। तो हमने ग्रीसिंग कर दी है और अब हम फिट करेंगे दोस्तों। तो देखिए नीचे वाला बैरिंग थोड़ा सा, इसके ऊपर ये जेट पत्ती है तो इसको भी हटा के हमने ग्रीस कर देते हैं, क्योंकि ये चलते चलते ग्रीस सूख जाती है और पत्ती दोबारा तो लगेगी नहीं। वो पत्ती हमने हटा दी है तो ग्रीस डाल दिया है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाले कवर में ये डाल लेते हैं, ये वायर पहले इसके डाल के, और ये स्टेटर ऊपर वाले कलर में हमने, सॉरी बार बार मेरे मुंह से कलर निकल रहा है, कवर में बिठा दिया है। और अब बारी है नीचे का कवर लगाने की। और ये दोस्तों ये होल आपने मिलाने ज़रूर हैं, होल मिलाकर ही कवर बिठाएं जहाँ पर ये स्क्रू टाइट होंगे। तो देखिए हमने ये होल मिला लिए हैं और ये स्क्रू टाइट कर देते हैं। अब इसमें तीन स्क्रू होते हैं, ये तीनों हमने टाइट कर लेने हैं। और दोस्तों बहुत धीरे धीरे हमने इसको टाइट करते हुए ऊपर की शाफ्ट को घुमाते हुए ये टाइट करने हैं। तो एक एक स्क्रू बराबर बराबर टाइट करना है और एकदम से ये स्क्रू पूरा टाइट नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आपका फैन बैलेंस में नहीं हो पाएगा, शाफ्ट एकदम टाइट हो जाएगी। तो देखिए हमने बराबर करे हैं तो एकदम शाफ्ट एकदम फ्री है, ऐसे सेट हो जाता है फैन। तो अब हम कनेक्शन करते हैं और एक बार फिर से इसको टेस्ट कर लेते हैं सीरीज के जरिए। अब दोस्तों हमने ये बिजली की सीरीज ली है, देखिए दोस्तों ये हमने सीरीज लैंप लिया है और अब हम इससे चेक करेंगे फाइनली। देखिए दोस्तों आपको रोशनी नज़र आ रही होगी, तो ये हम चेक कर रहे हैं। ये बहुत ही कम रोशनी नज़र आ रही है, ये देखिए हमारी ब्लैक वाली कॉमन है, हमने रेड और वाइट में लगाया था तो बिल्कुल माइनर सी रोशनी नज़र आई। तो इसका मतलब जो हमारी खाली वायर जो है जो ब्लैक वाली थी वो हमारी कॉमन थी। तो कैपेसिटर का क्लैंप लगा लेते हैं और ये कॉमन वायर है, ये हमारी सेपरेट ही लगेगी। और रेड और वाइट वाली वायर के अंदर हमारे कैपेसिटर के वायर लगेंगे। तो ये हमने कैपेसिटर के वायर लगा दिए हैं, एक वाइट वाली वायर पर जो हमारी फ़ैन स्टेटर के अंदर से आई हुई है, और एक ये रेड वाली वायर पर जो फैन स्टेटर के अंदर से आई हुई है। तो देखिए दोस्तों अब हमने इसके कनेक्शन चेक करने हैं, ये ब्लैक वाली वायर पे एक लगाना है वायर सीरीज का, और इन दोनों पे हमने टेस्ट करना है कौन सा उल्टा घूम रहा है कौन सा सीधा है। तो हमने जहाँ सीधा घूमेगा वहीं पर ही उस वायर को ही सप्लाई देनी है। तो देखिए दोस्तों रेड वाला वायर जो है हमारा पे लगाने से फैन सीधा घूम रहा है, इसका मतलब हमारी रेड वाली वायर जो है वही मेन वायर है। और जो ये कैपेसिटर के साथ हमने वाइट वाली वायर लगाई है ये खाली रहेगी, इस पे टेप लगा देते हैं, ये स्टार्टिंग की वायर है दोस्तों। तो ब्लैक वाली हमारी कॉमन की वायर थी
और रेड वाली हमारी रनिंग की वायर थी और वाइट वाली स्टार्टिंग की वायर थी। वाइट जो स्टार्टिंग की वायर है, जो हमारा कैपेसिटर का क्लैंप होता है उसमें जो बीच का कनेक्शन होता है वहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं, वो बिल्कुल खाली पॉइंट होता है। और ऊपर और नीचे हमारी सप्लाई देने के लिए कनेक्टर बने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसको सप्लाई देते हैं और फैन को फाइनली चेक करते हैं। तो ये हमने एक पेचकस से उठा लिया है फैन, और देखिए अब ये फैन बिल्कुल रनिंग कंडीशन में हो गया है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।